दिशु, जब तुम मुझे अपने हाथ से आइसक्रीम खिलाती हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे अच्छा मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, जब मैं तुम्हें अपने हाथ से आइसक्रीम खिलाता हूँ तो तुम्हें कैसा लगता है? मुझे ना ऐसा लगता है जैसे 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 अरे ऐसी बात ही क्यों करते हो जिसकी मिसाल नहीं दे सकते? भैया आपको कुछ काम नहीं है, कबाब में हड्डी। बताइए ना अलेश भैया, आपको कैसा लगता है? बताइए ना, जब आपको दिशा दीदी अपने हाथों से आइसक्रीम खिलाती है। बताओ बताओ, सबको बताओ। स्वानक तुमने भी क्या पूछ लिया। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा लगता है जैसे 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 जैसे, जैसे? एक दिन सोचने का समय दो, कल बताता हूँ। ओले, हाउ रोमांटिक। इनर भैया, कैन यू इमेजिन, इन लोगों के पास तो वर्ड्स ही नहीं है अपनी लव स्टोरी डिफाइन करने के लिए। हाउ क्यूट, वेरी क्यूट। मतलब रानी, अरे गर्मा गर्म चाय पिलाओ यहाँ। चाय ला भाई, चाय जल्दी ला। कहाँ हो भैया? दी घर पे नहीं है। नहीं है? वो मीठी की यूनिफॉर्म लेने गई है, फिर वहाँ से पन्ना दीदी के घर जा रही है। पन्ना दीदी के घर? अरे पहले बता दिया होता ना, तुम्हें पता है मैं भी चला जाता पन्ना दीदी के घर। मैं अब तक पन्ना दीदी के नए घर में गया ही नहीं हूँ। रियली? हाँ। आए तो वे भैया, आपकी मोहब्बत वाली आइसक्रीम मेल्ट हो रही है। अरे अच्छा हुआ याद दिला, थैंक्स। व्हाट अलेश भैया, सारा रोमांस पी गए। आपको भी रोमांस करना नहीं आता। इंदौर भैया, आप सिखा दीजिए ना इन लोगों को कुछ। एक्चुअली पता क्या, रोमांस करना ना ईशान से सीखना चाहिए। सॉरी, यू शुड बी व्हाट ईशान और रोमांस। आई डोंट बिलीव। अरे आई एम नॉट जोकिंग, सीरियसली ईशान इज वेरी रोमांटिक यार। मैं ईशान को अच्छी तरह से जानती हूँ। या या, वेरी रोमांटिक। इंदर भैया, व्हाई आर यू लाफिंग? टेल हर नो। हाँ हाँ, ठीक कह रही है। इंदर भैया आया ना? अरे ना। ऑब्वियसली हाँ, मैं ईशान को अच्छी तरह से जानती हूँ। हेलो, ये तुमने बार बार क्या लगा रखा है? मैं ईशान को अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं ईशान को अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हें ईशान से दूर हुए कितना टाइम हो गया? बचपन में, बचपन से आज तक बहुत टाइम बीत गया है। और बहुत फर्क होता है, समझी तुम? क्यों अलेश भैया? हाँ वो तो है। What do you mean, वो तो है? अरे बचपन हो या जवानी, क्या फर्क पड़ता है? Basic nature is always the basic nature. Tell her. हाँ वो भी है। अरे ईशान जैसा बचपन में था वैसा आज भी है, है? Thank you. Thank you. Welcome. Welcome. Oh, मतलब ईशान बचपन में भोलू था तो वो आज भी भोलू है। भोलू। भोलू नहीं, उल्लू। उल्लू। तुम अपने हस्बैंड के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? I'm sorry, but तुम ईशान को अभी तक नहीं जान पाई। Excuse me? Wife हूँ मैं ईशान की, उसे बहुत अच्छी तरह समझती हूँ मैं, समझी तुम? 24/7 उसके साथ रहती हूँ मैं। अरे लेकिन दिन भर तो वो ऑफिस में रहता है। हाँ 12/7, 12/7। एक मिनट, आप लोग बहस करना प्लीज बंद करो, मैं चाय लेके आती हूँ। हाँ। नो दिशा दीदी, आप मुझे बताइए, सोते जागते उठते बैठते मैं ईशान के साथ रहती हूँ तो उसे मैं ज्यादा अच्छी तरह जानती हूँ या सोनाली? सोते जागते उठते बैठते मैं भी ईशान के साथ रहती थी। आई नो हिम बेटर एंड आई अंडरस्टैंड हिम बेटर देन यू। रियली? रियली आई नो हिम बेटर। फॉर गॉड्स सेक, आई नो हिम बेटर। आई नो हिम बेटर। I know Suhana. To hell with you and Ishan, and I know him better. To
हेल विद दिस हाँ फिर ऋषि एक सेकंड मैं साबित कर सकती हूँ कि मैं ईशान को अच्छी तरह से जानती हूँ। यार मुझे तो लग रहा है कि मैं ईशान को नहीं जानता। भैया ये क्या हो रहा था सब? पानीपत की जंग। गायत्री वो क्या नाम महमूद की कौन सी फिल्म थी? छोटे नवाब थी शायद जिसमें वो गाना था। आओ ट्विस्ट करें। हाँ तो कल से तो बड़ा मन कर रहा है रेडियो पे ये गाना बजे अब मैं ट्विस्ट करूं। अरे ये ट्विस्ट क्या होता है? ट्विस्ट अरे ऐसे होता ना है। अरे ध्यान से इस उम्र में कमर लचक गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कमर क्यों लचकेगी मेरी है? तुम्हें क्या लगता है मुझे ट्विस्ट करना नहीं आता? बहुत बढ़िया आ रहा है ये देखो ऐसे ट्विस्ट कर। अरे अरे कुर्सी तोड़ोगे क्या? पिछले हफ्ते ही पाया ठुकवाया था उसका। कमाल की औरत हो यार तुम तो। कुर्सी की चिंता है तुम्हें मेरी नहीं है। लो कर लो बाप। अरे तुम्हारी चिंता है इसीलिए तो कह रही हूँ। कल को अगर तुम निकल लिए तो ये मेरी कुर्सी मुझे तुम्हारी याद ही तो दिलाएगी। घूर क्या रही हो? वैसे कौन सा कोहिनूर का हीरा मिल गया है जो तुम सारे घर में नाचते फिर रही हो? गायत्री ऐसी कोई बात नहीं भाई, मैं तो यूं ही हूं। छोड़ो तुम पान देने आई पान। तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे। हाँ और अगर तुम छुपा रही हो ना तो तुम ठीक नहीं कर रही हो, क्योंकि अगर मैं मर गई ना बिना जाने तो मैं भूत बन के तुमसे आ आके पूछा करूंगी। गायत्री तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूं? अच्छा चलो एक बार बताओ, अगर मेरी कोई पुरानी दोस्त यहाँ हमारे घर में आकर रहने लगे तो? हाय हाय हमारे घर में क्यों आएगी? नहीं अपने रिश्तेदारों के घर में जाके नहीं रह सकती? अरे दिल्ली के मरे सारे होटल बंद हो गए क्या? ले छुपा रहे थे ना तुम मुझसे? कौन आ रही है? कोई नहीं आ रही भाई। मैं तो तुम्हारे ये तेवर देखना चाह रहा था। सच ना? हाँ बिल्कुल सच भाई, सच मेरी मुमताज बिल्कुल सच। अरे ये इलायची ना मैंने गुस्से में तुम्हारे पान में नहीं डाली थी, अब तुम मुंह में दबा लो। क्या गुस्से में? ये फॉर्मूला हर जमाने में हर किसी में काम करता है। अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई, वरना मैं तो चली ही जाती। 15 मिनट से तुम्हारे घर के बाहर बेल बजा रही थी, वो तुम्हारा जो लिफ्ट मैन है ना 2 बार ऐसे आके मुझे घूर के भी गया। आज की टाइमिंग तो बहुत ही सही थी, अगर मैं 2 मिनट लेट हो जाती तो आप तो चली ही जाती है ना? हाँ, अरे वो क्या हुआ पहली बस में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि डर के मारे में चढ़ ही नहीं पाई, इसलिए दूसरी बस का इंतजार कर रही थी और उतने में तुम। पन्ना अभी मेरे ध्यान में आया, तुम बस में क्यों सफर कर रही थी, क्या चक्कर है? अरे कोई चक्कर वक्कर नहीं है, तो बस ऐसे ही आज मन किया कि बस में ट्रैवल कर लूं तो कर लिया। वो एक्चुअली कॉलेज के पुराने दिन याद कर रही थी, इंदर भैया मैं और इलेश हम कैसे दौड़ के बस में चढ़ते थे, और पता है इंदर भैया तो सबसे पहले बस में चढ़ जाते थे और ऐसे हाथ आगे बढ़ा देते थे ताकि मैं चढ़ जाऊं। पुराने दिन दोबारा जीना चाहती थी।
पर तुम है ना ऐसे बस बस में मत ट्रैवल करो, रौनक जीजू को पता चला तो गुस्सा हो जाएंगे। पन्ना जी अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को जरा काबू में रखो। छोटी छोटी इच्छाएं, ये इच्छाएं भी कितनी अजीब होती है ना भाभी। हर वक्त मन नहीं करता कि आसमान से तारे तोड़े, कभी कभी मन करता है कि जमीन पे बिखरे हुए चीजों को उठा ले, है ना? सच, इच्छाएं बहुत अजीब होती हैं। इंदर आज भी मीठी के स्कूल के जूते उसी दुकान से खरीदते हैं जहां से पापा उसके लिए खरीदा करते थे। पैसे होने के बावजूद भी बड़ी दुकान में कभी नहीं जाते, कितना अजीब है ना। पन्ना, पन्ना, हम बूढ़े हो गए हैं। हाँ देखो ना कैसे पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। यहाँ देखो, देखो वो गार्डन में वहां हमारे पोते पोतियां खेल रहे हैं, दिख रहे हैं वो? हंसो मत तुम, मुझे इतनी जल्दी बूढ़ा नहीं होना है। हम आज की बातें करेंगे, आओ तुम। अब मुझे बताओ कि रौनक जीजू कैसे हैं, कहाँ है, इतने दिनों से घर ही नहीं आए, इंडिया में नहीं है क्या? नहीं नहीं इंडिया में ही है। तो वो एक्चुअली आजकल इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू? इंटरव्यू उनकी ऑफिस में ना खूब सारी वैकेंसीज हैं, तो इंटरव्यू लेने के लिए उन्हें ऑफिस जाना पड़ता है आजकल। ओह अच्छा अच्छा। भाभी क्या बातें लेके बैठ गए आप मुझे पहले ये बताइए, राधा बुआ कैसी है? अब ठीक है, बहुत बदल गई है, दीपक की बातें कर दी हैं अब। हाँ चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। देखा मैंने अभी तक आपको चाय नहीं पिलाया। देखो जाओ लाओ। लाती हूँ। ये तुम्हारे घर में नौकरी कौन ढूंढ रहा है पन्ना? रौनक भी ना पेपर पढ़ रहा था और बात करते करते बस। हाँ लेकिन ये तो नौकरी के पेपर। हाँ। आपने मुझे बताया नहीं मीठी के लिए क्या लेने गई थी? कुछ नहीं, स्कूल यूनिफॉर्म। और एक बात नहीं बताई, यूएसए से सोनाली आई है। कौन सोनाली? अरे शुक्ला अंकल की बेटी। ओ वो बदली भी है, वैसी ही है पगली सी। वो बदलेगी, अब भी तक वैसी ही पागल है, आते ईशान को उल्लू बना दिया। पागल है ना दोनों सचमुच। अरे तुम चलो ना उसे। एक काम करते हैं, जीजू को फोन लगाओ और उन्हें बुला लेते जल्दी, और फिर ना तुम दोनों मेरे साथ घर चलो। भाभी नहीं नहीं आज तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वो रौनक बहुत बिजी है आजकल। क्या पन्ना ऐसी कैसी नौकरी है कि आदमी बस रात दिन बिजी ही रहे। इंदर होते ना तो अब तक तो नौकरी छोड़ के घर पर बैठ गए होते। रौनक जीजू कैसे कर लेते हैं? हाँ हाँ मालूम है इतने बड़े घर का ईएमआई भरना है। नहीं नहीं वो तो कोई बात ही नहीं है, रौनक कर लेगा। जानती हूँ, ऑफ कोर्स कर लेंगे रौनक जीजू। देखा भाभी मैंने अभी तक आपको चाय नहीं पिलाई, अब बैठो मैं 2 मिनट में चाय लेके आ। ठीक है। कैसे हैं? इंडिया में नहीं है क्या? नहीं नहीं इंडिया में ही है। तो वो एक्चुअली आजकल इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू? भाभी चलो आओ चाय पीते हैं। क्या हुआ? तुमने बताया नहीं तुम कहाँ गई थी? साकेत गई थी, वहां एक मॉल है ना। Thank you.
नहीं पड़ना। तुम नौकरी कर रही हो, जमीन से कोई चीज उठा लेने की इच्छा है या तुम्हारी कोई मजबूरी? सोना, सोना तुम यहाँ बाहर बैठी हो और वो भी सामान साथ में, कहीं जा रही हो क्या? बैठ लग के साथ। उसे तो लगा था कि इतने सालों बाद तुमसे मिल रही हूँ, खूब सारी बातें करूंगी, खूब मस्ती मजाक करेंगे, लेकिन पर सोना क्या हुआ? मुझे 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 साफ साफ बताओ कि हुआ क्या है। कैसे बताऊं मैं तुम्हें कि तुम्हारी वाइफ, मेरी वाइफ सुहाना, क्या क्या बताओ? तुम्हें तुम्हें नहीं बता सकती है शान, मैं हाँ हाँ बोलो। सुहाना ने मुझसे कहा कि मैं इस घर से निकल जाऊं। क्या सुहाना ने तुमसे ये कहा कि तुम इस घर से चली जाओ? नहीं नहीं नहीं, देखो सोना, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। सुहाना को गुस्सा आता है, वो बहुत गुस्से वाली है, पर वो दिल की बहुत अच्छी है। तुम एक काम करो, मेरे साथ अंदर आओ, चलो। इट्स ओके, मैं सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कोई बात नहीं यार, कर लूंगी मैं कोई ना कोई इंतजाम। जब तक हॉस्टल का इंतजाम नहीं होता, होटल में रह लूंगी यार, क्या फर्क पड़ता है। बाय शान। देखो, अरे सोना, सोना रुको 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 रुको, अरे क्या, छोड़ो छोड़ छोड़ दो। अच्छा अच्छा सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। तुम क्या बकवास करे जा रही हो कब से? इधर आओ इधर आओ इधर आओ। देखो देखो, मैं जानता हूँ कि वो थोड़ी गुस्से वाली है, पर वो दिल की बहुत अच्छी है। और तुमने बड़ी माँ या दादाजी से ये बात की? कैसे बताती मैं किसी को, मुझे मौका ही नहीं मिला ईशान। तुम जानते भी हो कि वो कितनी हाइपर थी, कुछ भी उठा के पटक रही थी नीचे, बहुत गुस्से में थी वो ईशान। क्या सुहाना ने तोड़फोड़ चालू कर दी है? बात यहां तक पहुंच गई और तुम चलो मेरे साथ, डरो मत, कुछ नहीं होगा, चलो। तुम जानते भी हो उसने मुझसे क्या कहा है। एक मिनट ईशान, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुहाना का एम एकदम बेकार है, तुम्हें लगेगा ही नहीं। हाँ चलो। ईशान, तुम जानते भी हो कि उसने मुझसे क्या कहा है। क्या? उसने कहा है कि अगर मैंने इस घर में तुम्हारा कदम भी रखा ना, तो तुम्हारी बीवी ये घर छोड़कर चली जाएगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।